केजरीवाल जी के लगाए हुए तुगलकी फरमान पर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया और राजधानी दिल्ली के निवासियों ने जमकर दिवाली मनाई। दिवाली के पटाखे ऐसे फूटे कि केजरीवाल जी के कानों में पूरे साल अनार बॉम्ब और लड़ी बॉम्ब की गूंज गूंजेगी। वैसे इस दिवाली लिबरल्स पर कड़ा प्रहार रहा। एक तरफ इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट मैच में इंडिया जीत गई, वहां इंडियन ओरिजिन ऋषि सुनक बन गए यूके के प्रधानमंत्री, और वहां प्रोपेगेंडा के होते हुए भी देश ने दिवाली बड़े धूमधाम से मनाई। जैसा कि हम सब जानते हैं कि ट्विटर सीएम केजरीवाल जी को प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करने में कितना मजा आता है, आज आ गए हैं नया लेकर। केजरीवाल जी का कहना है कि अगर इंडोनेशिया के करेंसी नोट में गणेश जी का चित्र है तो हमारे करेंसी नोट पर भी महात्मा गांधी के साथ साथ गणेश लक्ष्मी होने चाहिए। दिवाली पर इनका पटाखा बम तो फुस हो गया। केजरीवाल हिंदुओं में अपनी इमेज सुधारने के लिए ये नया लेकर आ गए अपना पैतरा। लेकिन कुछ सवाल है, क्या लक्ष्मी गणेश वाले नोट्स वक्फ बोर्ड को करोड़ों रुपए देने में काम आएंगे? क्या केजरीवाल के मंत्री इन्हीं गणेश लक्ष्मी जी के नोटों से रिश्वत लेंगे, स्कैम करेंगे? मजे की बात यह है कि जनाब गांधी जी को नोट में देखना चाहते हैं, लेकिन पीछे देखो पीछे, इनके अंदर बाहर कहीं भी गांधी जी कहीं नहीं पाओगे। धर्म का मजाक बनाना, धर्म पर पाबंदी लगाना, बैन लगाना और फिर आकर अपनी इमेज साफ सुथरी करने के लिए ऐसी बयानबाजी करना, केजरीवाल जी के लिए हिंदू धर्म सिर्फ एक पॉलिटिकल गेम है। लेकिन केजरीवाल जी भूल जाते हैं कि ये पब्लिक है, सब जानती है। जैसे दिवाली के पटाखे फूटे हैं, आपका नकली हिंदुत्व का भांडा भी फूट चुका है।